व्लॉग। तो अभी का अपडेट ये है कि हम बांस डिनर पहुँच चुके हैं और अभी भाई दूध लेने जा रहा है। वैसे तो हमारे घर दूध आता है, मतलब गांव से ही आता है, लेकिन अभी तो हम लोग कितने दिनों से थे नहीं तो दूध बंद था, तो उन्होंने रखा तो होगा नहीं, तो हमने सोचा इधर से पैकेट वाला दूध ले ले क्योंकि गाँव में पैकेट वाला दूध नहीं मिलता। तो गया है, ये सब तो ऋषि द्वारा है, जो लोग इधर के होंगे थोड़ी थोड़ी खुशी हो रही है अपने यहाँ आके। और ये भी लग रहा है कि अब वापस से वही काला कलूठा बन जाना है, गांव के रंग में रंग जाना है, लेकिन अपने आके खुशी हो रही है कि अपने घर अपने देश आ गए हम। बैड न्यूज़ ये है कि यहाँ भी दूध मिला नहीं, वो बोल रहे हैं कि वो डेयरी वाली जो कोई गाड़ी आती है वो कल से आई नहीं, तो यहाँ पर दुकान पर भी दूध अवेलेबल नहीं है। देख लीजिए, ये है हमारा सिटी, यहाँ एक दूध का पैकेट भी नहीं मिलता। मैं बुराई नहीं कर रही, जो रियलिटी है मैं बता रही हूँ। वैसे तो अपना घर, अपना जगह, अपना शहर तो सबको बहुत पसंद होता है, सबसे ज़्यादा उससे प्यार होता है, हमें भी है, जो है वो है। अभी ये तो फिर भी टाउन था बाद में, अभी हम प्रॉपर विलेज में रहते हैं, प्रॉपर विलेज मैं आपको दिखाऊँगी। हम लोग अपने गांव में एंटर कर चुके हैं। ये हमारा बगीचा है। ये दिखा हमारा घर वाइट कलर का। ये कार्ड इतने सारे शादियों के किसी ने आके अंदर भी हो गए। इधर चारों तरफ बंजर, कहीं बैग भी नहीं रख सकते, इतनी धूली धूल हो रखी है। इन्वर्टर का कनेक्शन हम कट करके गए थे ताकि वो एक्स्ट्रा चार्ज ना होता रहे, सिर्फ लाइट का ही कनेक्शन था, तो आते ही सबसे पहले हम इन्वर्टर में कनेक्शन दे रहे हैं। ये ऊपर से यहाँ से हम लोग ढक के गए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होल रह गया है, तो चिड़िया आके बाप रे बाप, इन सब की सफाई कैसे होगी। ये गुड्डा जी आए थे बीच में, तो उन्होंने अपना अंडरगारमेंट रख दिया है, उस पर पूरा भर दिया इन लोगों ने, बर्ड्स ने। ये भगवान, इनके अंडे भी टूटे हुए हैं बर्ड्स के। यू स्माइली, ये फर्स्ट में फफूंदी निकल गई है। ये पीछे कैसा हो रखा है, पूरा जंगल, बाप रे, सिर्फ एक महीने में ये। तो हेलो अगेन, हम सो गए थे वहाँ से आके, कैसे भी हमने जिस रूम में, दो रूम क्लीन किया ताकि कम से कम सो सके, बैठ सके, फिर क्लीन करके झटपट पोछा ओछा लगा के सब लोगों ने मिलके किया, किसी ने खाना वाना बनाया, दूध भी हमें मिल गया गांव में, तो फिर चाय बना, फिर जैसे तैसे हमने फ्राइड राइस ही बनाया एक ही बार, क्योंकि सब्जी वब्जी कुछ है नहीं, सब कुछ लेके आना है, और इतनी ताकत भी नहीं थी कि सारी चीज़ें बनाए के करके, तो हमने फ्राइड राइस ही बना ली। उसके बाद फटाक से शैम्पू वैम्पू करके मैंने ना कुछ लगाया फेस पे, ना कुछ भी किया, बस खाना खा के लुढ़क गए। अभी मम्मी ने जगाया मुझे कोल्ड ड्रिंक के साथ, तो अब मैं कोल्ड ड्रिंक पीने जा रही हूँ, और कोल्ड ड्रिंक के साथ मैं खा रही हूँ ये बार्बन बिस्किट। आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या हम लोग कुछ भी कॉम्बिनेशन बना देते हैं, किसी भी बिस्किट, किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी, कुछ भी, तो यही होता है हमारा, किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी मिक्स चल जाता है। तो अभी मैं सो के उठ गई हूँ, अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ हो करते हैं, शाम को देखते हैं। अब तो दूध हमारा शाम से स्टार्ट हो ही जाएगा आना, तो फिर चाय वाय पियेंगे। और आज हमें एक राहत की बात ये है कि आज रात को हमें खाना नहीं बनाना है। हेलो मम्मी, खाना नहीं बनाना है ना? खाना नहीं बनाना है, तो इतनी दूर से आए हैं हम, थके हुए हैं, और ये पता चल जाए कि रात को खाना नहीं बनाना है, तो ये सबसे ज़्यादा सुकून की बात है, क्योंकि हमारा ही घर है, ख़ानदानी पार्टी है, तो वहाँ से हमें इनविटेशन मिल चुका है खाने का, वहाँ पे कुछ पूजा वूजा था इसके लिए, तो वहाँ पे भी जाना है हमें खाना खाने, तो थोड़ी सी राहत है। कल से आराम से अपने दिनचर्या को स्टार्ट करेंगे, आज रिलैक्स करना है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, मैं, मम्मी ही जा रहे हैं, दीदी नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ गर्मी की वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो रही है। दीदी को तो पूरे हाथ पे गमोहरियाँ निकल गई हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एकदम एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी है। पता नहीं हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि हम वहाँ से आए हैं, या वाकई यहाँ पे, मतलब यहाँ के लोग को भी इतनी गर्मी लग रही है,
पर हमें तो लग नहीं रहा है कि हम कैसे रहेंगे, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आज रात को हमें नींद कैसे आएगी। वहाँ पे भी गर्मी थी, जब हम बाहर मार्केट में जाते थे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी क्योंकि घर में पता नहीं चलता था बिल्कुल, गाड़ी में भी एसी में रहते तो पता नहीं चलता था, बाहर निकलो तो लगता था गर्मी, लेकिन वहाँ पे पसीना तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। मुझे पसीना बिल्कुल नहीं आता, बहुत कम आता है, लेकिन यहाँ पे ना इतना पसीना आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ थोड़ा सा वाइट टोन पाउडर लगाया ताकि जो चिपचिप सा हुआ है वो ना हो, लेकिन वो भी धुल गया पाउडर बिल्कुल। और यहाँ हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। और कपड़ा मैंने यही बैग में ऊपर था तो मैंने यही पहन लिया, क्योंकि अभी कुछ भी हमने यहाँ पे देखा नहीं, तो पूरा घर इतना गंदा हुआ पड़ेगी, पूछे मत कैसे साफ़ सफाई होगी, समझ नहीं आ रहा। इसमें ही हम लोग को अब जिया दीदी के यहाँ भी जाना है, क्रियांश का बर्थडे है, तो हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। वहाँ जाने के लिए, क्रियांश के लिए गिफ्ट वगैरह कपड़े वपड़े जो भी लेना है उसके लिए हमें मार्केट भी जाना है, घर की सफाई भी करनी है, वहाँ जाने के लिए तैयारी भी करनी है, टाइम बहुत कम है, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। और इसमें हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, कहीं जाने लायक हम रहेंगे नहीं, हमारा थोड़ा बचेगा नहीं, यही होता है। जब नेहा दीदी के यहाँ भी गए थे तो उसके पहले इतनी हरासमेंट हो गई थी हमें, लगातार हम एक हफ्ते से ट्रैवल कर रहे थे तो इस वजह से बहुत ही अजीब सा हो गया था, फेस सूख गया था, मतलब वो होता है ना थकान दिखने लगती है फेस पे जब आपको थोड़ा रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो अगर रात को आप 3-4 घंटे सोते हो तो उससे क्या ही होता है। तो यही है, मतलब मैं क्या बताऊँ, इधर बाल खोलना तो दिखेगा नहीं कैमरा में, तो मैं दिखाती, इधर पूरा पसीना पसीना हो रखे हैं। सिर्फ मैं और मम्मी ही जा रहे हैं, दीदी नहीं जा रही हैं, हालत ख़राब है, तबीयत ख़राब हो गया, इधर तो अंधेरा ही है, देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि हाँ सुबह हो चुकी है, ये वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगले दिन सुबह रात को जब हम पार्टी से आए तो खाना खा के जब हम आए, जब हम वहाँ पे गए थे, मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ पे भी रिकॉर्ड करूँगी, पर मेरे को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, फ़ोन पॉकेट में ही रख लिया मैंने क्योंकि वहाँ पे भैया वैया थे, लोग तो गाँव है, सब लोग को पता नहीं होता है कि हाँ ये, तो मैंने सोचा कि पता नहीं कैसा लगेगा, तो मैंने निकाला ही नहीं, मैंने मेरे को खुद को ऑकवर्ड लग रहा था। वहाँ से आए हम, इतनी प्रचंड गर्मी लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ, कुछ भी मन नहीं कर रहा था, रूम में फ़ैन भी चल रहा था तो उमस की वजह से ना बहुत गर्म गर्म सी हवा आ रही थी फ़ैन से, तो हम लोग काफ़ी देर तक छत पे थे, जब थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा फील हुआ तब जाके हम नीचे आए और आके सो गए। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद मैं सो गई, अभी सो के उठी हूँ मैं, ब्रश व्रश करके आ गई हूँ, फ्रेश व्रश होके अब सिर्फ नहाना है। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि आज का नाश्ता मैं बनाऊँगी, पास्ता बनाना है मुझे, अभी मैं वही देख रही थी कि कुछ है तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर पैकेट वाला नहीं मिलता, खुलता मिलता है गाँव में, तो इसको मैं वॉश करके फिर बनाऊंगी। मैं नाश्ता इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दीदी की तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसा कि हम लोग को लग ही रहा था कि मतलब ठंडी से अचानक इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो किसी की तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो दीदी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। मम्मी साफ़ सफ़ाई में लगी हैं और मेरे को मैगी पास्ता और रोटी, ये तीन चीज़ें मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, बाकी मेरे को कुछ भी नहीं बनाने आता, मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन ये तीन चीज़ें मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, जिसमें से रोटी में तो मुझे महारत हासिल है, मैं बहुत अच्छा रोटी बनाती हूँ, और ये भी चीज़ें मैं काम चलाऊ, मैगी और पास्ता भी काम चलाऊ बना लेती हूँ, तो इसलिए आज का नाश्ता मैं बना रही हूँ। और आज इतना पेशेंस के साथ मैं बैठ के इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ डिस्कस भी करना है, कुछ डिस्कस नहीं करना है एक्चुअली, इस जो मैं बोलने जा रही हूँ उसका पर्पज़ ये भी है कि जो लोग मेरे गाँव के भी अगर देखेंगे तो उनको एक चीज़ क्लियर हो जाए। जब हम यहाँ पर आए तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सगाई हो गई, सगाई हो गई, मेरी सगाई हो गई, हम लोग एंगेजमेंट करने के लिए ही वहाँ पे गए थे, तो मैं क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा है। एक होता है कि कोई पूछता है अगर किसी को डाउट होता है तो वो समझ में आता है, चलो कोई बात नहीं, गांव के लोग भोले भाले होते हैं, उनको समझ नहीं आया पूछे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि हम छुपा रहे हैं, हम एक्चुअली एंगेजमेंट करके आए हैं और उन लोगों से छुपा रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि मैंने कभी भी तो बोला ही नहीं कि मेरी एंगेजमेंट हुई है, फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं। मैंने कई बार ये ज़रूर बोला है कि नहीं मेरी सगाई नहीं हुई है, ये सिर्फ एक प्रमोशन वीडियो था जो कि मेकअप एंड हेयर स्टाइल का था, मुझे प्रमोशन करना था उसकी एक वीडियो, ये मैंने 10 बार बोला तो वो किसी को समझ नहीं आया कि हाँ, लेकिन मैंने एक बार भी ऐसा ना लिखा है कहीं और ना ही ऐसा कभी बोला है कि मेरी सगाई है, तो वो सबको समझ में आया। क्यों? क्योंकि मैंने लहंगा पहन के मेकअप कर लिया। एक अनमैरिड लड़की कभी लहंगा पहन के मेकअप कर ले तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ शादी के लिए या एंगेजमेंट के लिए ही रेडी हो रही है। और दूसरी चीज़ कि अगर मेरी एंगेजमेंट हो
तो मेरे घर वाले भी तो मेरे साथ साथ रेडी होंगे। आपने देखा होगा मैंने लहंगा पहन के वीडियो बनाया अपनी मम्मी दीदी पुण्य भी स्माइली भी उसमें। वो लोग मेरी मम्मी बिल्कुल कॉटन की साड़ी, मेरी मम्मी घर पे कॉटन की साड़ी पहनती हैं, कॉटन की साड़ी मम्मी ने पहनी हुई है और उन्होंने पिन भी नहीं लगाया, वो बिल्कुल जैसे तैसे हैं। दीदी भी एकदम बाल बाल बिखरे जैसे घर पे थी, वो लोग काम कर रहे थे, मैं उनको ज़बरदस्ती लेके आई बिठाई अपने पास और वीडियो बनाने के लिए। पुण्य भी हाफ पैंट में है, सिर्फ मैं ही रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे प्रमोशन के लिए मैं रेडी हुई थी। एंगेजमेंट होता तब तो बाकी लोग रेडी होते, और एंगेजमेंट होता तो पूजा पाठ जो भी रिचुअल्स होते वो भी तो होता, और सबसे मेन बात लड़का भी तो होता है जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट होनी है, उधर की भी तो फैमिली होती। मतलब कुछ भी, सिर्फ मैंने मेकअप करके मैं रेडी हो गई तो इसका मतलब एंगेजमेंट हो गया। अगर मैं ये डाल रही हूँ कि हाँ मैं रेडी हुई हूँ एंगेजमेंट के लिए, तो ये भी तो डालती कि हाँ मेरी एंगेजमेंट ऐसे हुई है। और मैं क्यों नहीं वीडियो डालूँगी, मुझे पता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरी वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ लाइक आएंगे, आप लोग देखना चाहोगे पसंद करोगे, तो मैं क्यों नहीं वीडियो डालूँगी। अगर मुझे छुपाना होता तो मैं कम्प्लीटली वीडियो ही नहीं डालती, रेडी होके भी नहीं डालती, पर ऐसा कुछ था नहीं। मैंने क्लियरली उसके बाद ब्लॉग में भी बोला है, मैंने कभी भी ऐसा बोला ही नहीं कि मेरी इंगेजमेंट हुई। हाँ एक वीडियो पे मैंने ज़रूर लिखा था कि आज कुछ स्पेशल होने वाला है, तो कुछ स्पेशल का मतलब ये नहीं होता है कि शादी या इंगेजमेंट ही होती है, कुछ भी स्पेशल हो सकता है। और वो स्पेशल चीज़ क्या थी मैंने अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक्सप्लेन भी किया था, वो ये था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरा मेकअप पार्लर में होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जब भी मेकअप किया मैंने खुद किया है तो पहली बार था जब मेरा मेकअप कोई और करने वाला था, और वो भी कुछ थोड़ा मतलब हैवी सा था ब्राइडल टाइप का, तो इसलिए मैं एक्साइटेड थी, मुझे खुशी हो रही थी, बस इस चीज़ के लिए मैंने लिखा था। और दूसरी बात ये भी थी कि मेरा भाई भी वहाँ पे आ रहा था, मेरा भाई काफ़ी टाइम से पढ़ाई के लिए हम लोग से दूर ही मतलब इलाहाबाद, पहले लखनऊ रहता था अब इलाहाबाद में रहता है, तो जब भी वो आता है वहाँ पे तो फर्स्ट टाइम गया था दीदी के वहाँ पे चंडीगढ़ में, तो इस वजह से हम एक्साइटेड थे। तो इस वजह से लोगों ने पता नहीं क्या सोच लिया, और अब हम कह रहे हैं कि नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, तो उन्हें लग रहा है कि हम छुपा रहे हैं, क्यों छुपाएंगे। और दूसरी चीज़ कि हम वहाँ पे क्यों इंगेजमेंट करेंगे, हमारे सारे रिश्तेदार सब लोग यहाँ पे हैं तो हम वहाँ क्यों करेंगे, हमारे रिश्तेदार भी तो हैं बिना किसी के, हम वहाँ कैसे कर लेंगे, कैसे पॉसिबल, हमारा घर हमारा गांव हमारे रिश्तेदार यहाँ हैं तो हम कहीं और। और उसके जस्ट पहले एक ब्लॉग में जो क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉग था उसमें पूरी फैमिली साथ में बैठ के हमने क्लियरली बोला था कि अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं शादी वादी की बात, अभी 2-4 साल तो बिल्कुल ही नहीं है, जब भी होगा तो हम ज़रूर बताएंगे अनाउंस करेंगे इंस्टाग्राम पे, ऑब्वियसली 1-2 साल तो बिल्कुल अभी ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद ये पहले ब्लॉग आया था क्वेश्चन आंसर वाले में कि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला शादी वादी के बारे में, हम अभी कुछ नहीं सोच रहे। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि आज कुछ स्पेशल होने वाला, तो आप लोगों को तो वैसे ही समझ जाना चाहिए कि शादी वादी से रिलेटेड तो कुछ है भी नहीं, क्योंकि अभी तो जस्ट लास्ट ब्लॉग में इसने बताया था कि शादी वादी का कुछ नहीं, तो हो सकता है कुछ और स्पेशल होगा। और चलो ठीक है, फिर भी मैं मानती हूँ कि पहला वीडियो जब आपने देखा तो उसमें सोच सकते हैं आप कि हाँ मैं रेडी हुई हूँ, मेकअप हुआ है, लहंगा वहंगा पहना, तो क्या पता शादी हो रही होगी। पहली वीडियो देख के कोई भी, मैं भी होती शायद, किसी को किसी मतलब जो अनमैरिड है किसी को ऐसे रेडी होते हुए देख के मुझे भी लगता कि हाँ हो सकता है कि शादी वादी हो रही होगी, एंगेजमेंट हो रही होगी। लेकिन फिर जब मैंने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने प्रमोशनल वीडियो भी बाकायदा उनके साथ जिन्होंने मेरा मेकअप किया था उनके साथ मैंने वीडियो बनाई और मैंने बताया कि जो भी था प्रमोशन का जो भी था तो मैंने बताया, तो उसके बाद तो समझ आ जाना चाहिए। लेकिन इतना खुराफात भरा हुआ है लोगों के दिमाग में कि मैंने 10 बार ये बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही है, वो नहीं समझ में आया किसी को, लेकिन एक बार भी जो मैंने बोला है ना मैंने लिखा है वो चीज़ें समझ में आ गई। तो ठीक है, मेरी तरफ से ये क्लेरिफिकेशन था, बाकी आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, तो आप लोग को जो भी खिचड़ी पकानी है वी आर फ्री टू डू एनी थिंग। बाकी मेरा जो क्लेरिफिकेशन था मैंने दे दिया, और आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। बाकी अभी बहुत सारा काम है, जिया दीदी के यहाँ जाना है तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी है, टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं, सिर्फ आज का दिन है क्योंकि कल हमें निकलना है। तो आज कैसे कैसे क्या क्या तैयारी करते हैं वो आपको हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाई देगा, क्या क्या होने वाला है। दीदी को अब तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी उनको जाना है क्योंकि शॉपिंग तो करनी है, फर्स्ट टाइम वहाँ पर जा रही है, तो ऑब्वियसली सबके लिए जो भी होता है तो उसके लिए शॉपिंग करने दीदी जाएंगी। तो क्या क्या होता है कैसे कैसे होता है देखते हैं। बाकी ये वाला व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मुझे झेलने के लिए, इतनी मेरी बकबक सुनने के लिए।
और आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे क्योंकि मैं गांव पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉपर अपना सेटअप लगा के जो भी होगा मैं प्रॉपरली स्टार्ट करने वाली हूँ। मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस भी आएंगे, बाकी मैं कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉगिंग भी मैं कर सकूँ। तो अभी सब लोग वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का, तो मैं जा रही हूँ बना लेने। अगर आप लोग को भी खाना है तो आप लोग भी आ जाइए। और ये वाला ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।